आजमगढ़ में जाति तोड़ो समाज जोड़ो के उद्देश्य से सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन रविवार को कटरा त्रिमानी स्थित पानी टंकी के समीप किया गया। कार्यक्रम आयोजक जिला योजना समिति सदस्य सभासद मोहम्मद अफजल का कहना था कि समाज में जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की कुरीतियों को दूर कर समाज में समरसता लाने हेतु सामूहिक खिचड़ी का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में हर जाति धर्म के लोग इस भोज में शामिल होकर आनंद उठाते हैं। वहीं इस भोज में आए संभ्रांत लोगों का कहना था कि मोहम्मद अफजल काफी लंबे समय से समाज सेवा में लगे रहते हैं। इस आयोजन में अमित लता सिंह, अलका सिंह, पूनम सिंह, आस्था चौबे, सरदार करतार सिंह, राम सिंह गुड्डू, परवीर सिंह, जावेद अंसारी, आलोक शर्मा, विपिन गुप्ता, संजय शर्मा, तारिक एजाज, मनीष कृष्ण साहिल, राम जन्म निषाद, निशित रंजन तिवारी, अमित वर्मा, कल्पनाथ सिंह, डॉक्टर नवीन दुबे, डॉक्टर देवेश दुबे, सोनू सोनकर, अनुराग मिश्रा, हरीश वर्मा, आनंद सिंह, डॉक्टर सहजादी, चंदन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग भोज में शामिल हुए। हम इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं अफजल जी के, क्योंकि ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए करते हैं। और आज देखिए, इन्होंने इतना बड़ा समरसता भोज खिचड़ी रखा है, जहाँ पर शहर के सभी, चाहे संभ्रांत परिवार के सदस्य हों, हम सब हों, चाहे छोटे तबके के लोग हों, शहर का हर व्यक्ति, गणमान व्यक्ति और अच्छे परिवार के और छोटे परिवार के गरीब और गरीब बच्चों को और गरीब परिवारों को तो इतना बड़े लेवल पर उन्होंने बुलाया था। हम इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। विगत 25 वर्षों से तो अफजल भाई समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, जिसकी कुछ उपलब्धियाँ भी इनको समाज ने दी। आज वो सभासद और सभासद की प्रदेश योजना समिति के अध्यक्ष भी हैं। मैं अफजल भाई को उनके इस कृत्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा ही नहीं, विश्वास करता हूं कि भविष्य में इस तरीके के आयोजन करते रहेंगे। मैं मनीष कृष्ण, मैं एक व्यवसायी हूं। और दूसरा ये था कि आज हम लोगों ने समरसता बहुत दिया था, जिसमें हर वर्ग के लोग आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म का हो। और यहाँ पे ऊंच नीच में हम लोग का मकसद यही था कि ऊंच नीच का जो भेदभाव समाज में पल रहा है उसको ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने खिचड़ी भोज का आयोजन किया था और जो पूर्णतः सफल रहा और इसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हम सबको धन्यवाद देते हैं जो जो हमारे यहाँ आए। देखो, मैं मोहम्मद अफजल, सभासद गुरु टोला, वार्ड नंबर 7 और योजना समिति के अध्यक्ष। आज ये संदेश समरसता खिचड़ी भोज हर वर्ष के साथ इस वर्ष भी किया जा रहा है। ये एक संदेश है, एक जनता का संदेश है कि क्या नाम है, हमें कोई जात भाव, कोई ऊंच नीच नहीं, छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक सब ने मेरे खिचड़ी भोज को आया और सलाद चटनी और के साथ के लोगों ने चखा और उन्होंने बहुत एक विश्वसनीय दिया कि अफजल भाई आपका खिचड़ी भोज, इसमें कोई वो भेदभाव नहीं था, हम सब जो है एक साथ आपके साथ हैं, आपके बहनों के साथ हैं और आप जहाँ जहाँ खड़े रहे हो खिचड़ी भोज आपके संगीत में रहेंगे। मैं उनको शुक्रिया अदा, जितने लोग मेरे दरवाजे पे आए हैं, मेरा खिचड़ी खाए हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे छोटे वर्ग के लोग, चाहे बड़े वर्ग के लोग, हर बिरादरी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग थे यहाँ पे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ